नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। आज सीएमएन न्यूज में एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, समाज सेवी मराठा सुनील सागवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त ये एक समाज सेवी है, कई समय से समाज सेवी संगठनों के साथ जुड़कर इन्होंने कार्य किए हैं, समाज के लिए हित के कार्य किए हैं और राजनीतिक बैकग्राउंड भी इनका बहुत गहरा है, राजनीति से भी ये संबंध रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह का इनका राजनीतिक बैकग्राउंड है और किस तरह से समाज सेवी के कार्य करते हैं। तो सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कब से आपने समाज सेवा का बीड़ा उठाने का सोचा? मैडम, मैं इसमें 15 सालों से निरंतर समाज सेवा में संघर्षशील हूँ और मैंने स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में बेटी बचाओ या कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जानकारियाँ दी और बच्चों में कैसे बनाए विद्यार्थी अपना कैरियर आदि विषयों पर मैंने जानकारियाँ दी। सुनील जी, आपने बहुत सारे विषयों पे, समाज सेवी विषयों पे आपने जागरूकता के लिए कहीं कहीं स्कूल में और कॉलेजेस में जागरूकता अभियान चलाए। मैं एक बात यहाँ आपसे जानना चाहूँगी, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू किया गया, क्या लगता है कि इस आंदोलन के बाद कुछ ज़्यादा असर पड़ा बेटियों की स्थिति पर? जी बिल्कुल पड़ा। तो जैसे ही प्रधान, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरती से यह आह्वान करना पड़े कि हमने अपनी बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में चूक गए। जब से ये देश के प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र से आह्वान किया तो बदलाव जरूर आया और देखने को भी मिला। हमारी करनाल की अगर मैं बात करूं तो 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 816 के करीब थी आज से 4 साल पहले, लेकिन आज बेटियों की संख्या में काफ़ी वृद्धियाँ हुई हैं। मैं लगभग बता दूं, आप करीब 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या शायद 916 के करीब पहुंच चुकी है। जी ज़रूर, बेटियों की स्थिति पर हमने बात करी, सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लाई जो समाज के लिए हित में थी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि समाज के लिए ये अच्छी योजनाएँ रही हैं? जी, समाज के लिए काफ़ी योजनाएँ आई और समाज में इनका असर देखने को भी मिला। जी। आप एज अ समाज सेवी खुद किस तरह के प्रयास करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, मैं बच्चों को भी, अगर मैं स्कूलों के अंदर गया तो मैंने कुछ क्वेश्चन होते हैं, टीचर भी हमसे सवाल कर लेते हैं कि आप कितने सालों से जैसे समाज सेवा में जुड़े हो, आप कितनी क्वालिफिकेशन है। मैं उनको भी बताता हूँ, देखो मैं उनसे पूछता हूँ, मेरा भाई के पास कौन सी डिग्री थी, तुलसीदास ने ऐसा क्या किया था, कबीर के पास ऐसा क्या था, ये अनपढ़ महापुरुष जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने कभी लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मुझे देखकर हैरानी होती है कि बड़े बड़े पीएचडी लोग आज उन पर शोध किया करते हैं, उनकी कविताएं, दोहे आज पाठ्यक्रम में सम्मान से लिए जाते हैं। मैं उनको समझाता हूँ, राम भी किसी के बेटे थे और रावण भी किसी का बेटा था, लादेन भी किसी का बेटा था, अब्दुल कलाम भी किसी के बेटे थे। यदि राम को सही दिशा नहीं मिलती वो लादेन बन सकता था, और लादेन को सही दिशा मिल जाती इस धरती के ऊपर एक राम और खड़ा हो जाता। ये सब संस्कारों की बात हुआ करती है, अच्छे संस्कार हमारे देश के बेटों और बेटियों ने ग्रहण करने चाहिए और हमने दिए। हमने बेटी के विषय पर भी जानकारियाँ दी, मैंने कहा अगर जन्म लेना है तो माँ की ज़रूरत होती है, कहानियाँ सुनना हो तो दादी की ज़रूरत होती है, और जीवन भर का साथ चाहिए तो पत्नी की ज़रूरत होती है, लेकिन बेटी की ज़रूरत क्यों नहीं होती इस देश में? बेटियाँ को हमने बचाना चाहिए, उनको समझाया तो बेटियों ने ऐसे काम किए, ऐसे कर्तव्य करके दिखाए। आज भी हम 21वीं सदी में जीकर बेटे की उम्मीद रखते हैं। अरे जिस देश में जी रहे हैं उस देश को चलाने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, ये भी किसी की बेटियां हुआ करती है, इसलिए हम बेटे और बेटी में भेद नहीं रखना चाहिए। ये मैं ऐसी जानकारियाँ मैंने स्कूलों में, हॉस्पिटलों में और विद्यार्थियों को, और उनको शपथ भी दिलाई।
सुनो जी, बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर कि किसी को जागरूक करने के लिए, स्पेशली समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है, अपने संस्कारों को अपने अंदर ढालना ज़रूरी है। हमारे भारत की संस्कृति परंपराओं को ढालना ज़रूरी है। अगर हम संस्कृति और परंपराओं के साथ चलते हैं तो बेशक हम शिक्षित ना होकर भी समाज को जागरूक कर सकते हैं। सुनो जी, हमने जैसा कि जाना कि आपका राजनीति से भी काफ़ी सरोकार रहा है, तो आप राजनीति को किस तरह से देखते हैं? क्या एक स्वतंत्र राजनीति देखते हैं या निष्पक्ष होकर सोचते हैं राजनीति के बारे में, किस तरह से सोचते हैं? देखिए, 50-45 इस देश को आज़ाद हुए तो 70 साल हो गए, और हरियाणा प्रदेश को बने हुए पंजाब से अलग 50 साल हो गए। और लगातार इस हरियाणा की राजनीति की मैं बात करूं तो इस हरियाणा की राजनीति पर 3 परिवारों का कब्जा रहा था। परिवार रहे थे भजन लाल, बंसी लाल, देवी लाल, ओम प्रकाश चौटाला, और ये उस इलाके से संबंधित रही सार सरसा भिवानी, जो बार बार इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते आए थे जी। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मुख्यमंत्री सार रोहतक का बनता है या कुरुक्षेत्र पानीपत करनाल का बनता है, और हमें भी कोई एतराज नहीं है इस बात से जी। लेकिन ये अंतर उस समय तक नहीं पड़ता जब तक मुख्यमंत्रियों की नीयत ठीक हो और उनकी तमाम नीतियाँ तमाम इलाके के लिए एक समान बनती हो। लेकिन ये अंतर उस समय पड़ना शुरू हो जाता है जब मुख्यमंत्रियों की नीयत में खोट आ जाए। वो अपने इलाके में तो भलाई की नीतियाँ बनानी शुरू कर दे और एक इलाका विशेष को पकड़ कर उसे लूटना पीटना, उसका शोषण शुरू कर दे, और तब जिस इलाके की लुटाई हो रही होती है उस इलाके में बसने वाले लोगों को देर सवेर से जागना पड़ता है, इकट्ठा होना पड़ता है। और हमने ये आवाज़ सर्वप्रथम 2003 में मैं अपने एकता शक्ति पार्टी से राजनीति थी उनकी मैंने शुरुआत की और मैं इसमें जुड़ा और अपने इलाके को बचाया। मैंने उस समय हमारे पार्टी के सुप्रीमो मराठा वीरेंद्र वर्मा जी ने एक नारा दिया था कि इलाके को बचाना है, अपने को बनाना है और गैरों को हमने यहाँ से भगाना है, स्थानीय उम्मीदवार हम यहाँ चाहते हैं। अगर करनाल की राजनीति की मैं बात करूँ, सुनील जी बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति में आने के बाद, राजनीति के ठीक बिल्कुल आने के बाद लोग परिवारवाद की नीति अपनाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ अपने परिवार का ही जो है लाभ करे, जनता को वो शायद भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपने कहा कि जिस तरह से आप पार्टी से जुड़े हैं, एकता शक्ति इस पार्टी में जुड़े हैं, अगर आप राजनीति में होते तो क्या आप देश हित के बारे में सोचते, या फिर आप भी राजनीति के लोभ में देश हित की, जनता के हित के बारे में भूल जाते? देखो, पहले देश है, देश है तो हम हैं। अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार के स्थान पर न्याय, सदाचार, पोषण और रोजगार की गारंटी देने वाली व्यवस्था का निर्माण इस बार देश के अंदर हो। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, हम ऐसा राज चाहते हैं जिसमें किसी को किसी के मुंह की ओर न ताकना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना और भ्रष्टाचार पर न्याय का थोड़ा बेरहमी से वार करे, ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। सुनो जी, लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक आ रहे हैं, अब आपको क्या लगता है खासतौर पे हरियाणा के लिए किस तरह की पार्टी सही रहेगी, जनता की क्या सोच है, कौन सा नेता, किस तरह का नेता वो चाहते हैं? देखिए, मुझे जो मैं अपने राजनीतिक अनुभव से कह सकता हूँ, कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला होने जा रहा है जी, जरूर। और जब आपने पूछ ही लिया तो इसमें यहाँ की जनता, मैं अपने एक सामाजिक अनुभव से कह सकता हूँ, जैसे मैंने सामाजिक सर्वे किया और जो समाज का आकलन है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ भाजपा और कांग्रेस का तो सीधा मुकाबले होने जा रहा है। और कांग्रेस के पास तो काफ़ी उम्मीदवार हैं, लेकिन मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम सबसे पहले जो समाज के अंदर चल रहा है, लेकिन भाजपा भी इससे डरी हुई है। इसलिए वो हर रोज, जैसे मैंने समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि मेनका गांधी, अरुण जेटली का नाम आज भाजपा की ओर से समाचार पत्रों में आ रहा है। और अगर मैं जातीय समीकरण को देखता हूं, 2 किसान जातियां, रोड मराठा और जाट समुदाय, तो ये दोनों जातियां काफी
4 लाख के करीब इनकी वोटें बनती हैं और पिछड़ा अनुसूचित वर्ग भी भाजपा ये कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। और मैं सोचता हूँ कहीं मराठा वीरेंद्र वर्मा एक स्थानीय उम्मीदवार हैं, वो पिछले 18 सालों से क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं इस क्षेत्र की। तो मैं समझता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भारी उम्मीदवार उतारा तो उसका तो विरोध होगा होगा। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ कोई स्थानीय उम्मीदवार उतारती है तो मैं सोचता हूँ मराठा वीरेंद्र वर्मा को उतार सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है और वो अधिक मार्जिन से जीत सकते हैं। चलिए सुनील जी, ये तो बात होगी किस तरह का कैंडिडेट भाजपा जी और भाजपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से उतारा जा सकता है। अब हम बात करेंगे किस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी और खासतौर पे कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है जी। और मैं अगर सोचता हूँ सार्वजनिक काम जो सार्वजनिक काम है अच्छे हुए हैं, और करनाल के अंदर मैं काम देखता हूँ काफ़ी काम भारतीय जनता पार्टी ने, एक यहाँ का मुख्यमंत्री जो मिला भारतीय जनता पार्टी का, तो काफ़ी काम करनाल के अंदर हुआ, विकास काफ़ी हद से ज़्यादा हुआ जी। लेकिन बात आ जाती है भारी और स्थानीय उम्मीदवार पर। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लोकल यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार उतारती है तो मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी वोट यहाँ से मतलब मार्जिन से जीत सकती है, क्योंकि लोग स्थानीय उम्मीदवार चाहते हैं और स्थानीय उम्मीदवार क्योंकि वो स्थानीय समस्या को अच्छी तरह से समझ सकता है, वो स्थानीय उम्मीदवार यहाँ के एक घर की तरह है, परिवार की तरह है जी। तो हमारी बातों को अच्छी तरह सुन भी सकता है और समझ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, क्योंकि मैं तो सोशल वर्कर हूँ जी, कि वो स्थानीय उम्मीदवार उतारे। ये तो बात होगी बाहरी उम्मीदवार ना उतारे अगर भाजपा तो ज़्यादा अच्छा होगा उनकी राजनीति के लिए आगे, और स्थानीय उतारे तो बहुत ही बेहतर होगा। सुनील जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ और करना चाहूँगी, आप क्या सोचते हैं बीजेपी अगर चुनाव में कैंडिडेट उतारेगी तो किस तरह का कैंडिडेट उतार सकती है वो, और जनता जो है किस तरह का नेता चाहती है अपने करनाल के लिए स्पेशल? देखिए, जनता तो क्या हम ही बताएं, क्योंकि हमने सोच विचार कर ऐसा नेता चुनना चाहिए जो स्थानीय हो जी। जो लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे, जो अपने सिद्धांतों पर वो अटल रहने वाला हो, जो लोगों की समस्याओं को गले लगाने वाला हो जी। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता हो, जो गिरे हुए को उठाने की और उठे हुए को साथ लेकर चलने की बात करता हो, हमें ऐसा नेता चुनना हुआ आज चुनना चाहिए जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलता हो। बिल्कुल। और अगर भारतीय जनता पार्टी, मेनका गांधी का जो नाम समाचार पत्रों के माध्यम से चल रहा है, उनका नाम आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करनाल से जो है मेनका गांधी को उतार सकती है। हाँ, अरुण जेटली का भी नाम मैंने सुना है जी। लेकिन मैं सिरस में बैठे हुए नेताओं से यही आग्रह करना चाहूँगा एक सोशल वर्कर होने के नाते, क्योंकि सोशल वर्कर होने के नाते कि ऐसा नेता उतारे जिसकी पृष्ठभूमि एक ईमानदारी हो, एक ईमानदार हो, स्थानीय हो जी, लोगों की समस्याओं को वो उठा सके, और तभी ये नारा भारतीय जनता पार्टी का साकार हो सकेगा, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, एक बात उन्होंने नोटबंदी की जी। विरोध हुआ पूरे देश में, विरोध हुआ, लोगों को लाइन में लगना पड़ा, परेशान होना पड़ा, लेकिन ये बात अगर गलत होती तो देश में एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता जी। लेकिन लोगों ने विश्वास किया कि ये देश के हित में है, तो ये बहुत अच्छा काम था भ्रष्टाचार पर एक अंकुश लगाने का जी। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत हमें अच्छी लगी। सुनील जी, अभी
पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही है कि कई पार्टियां जो है बीजेपी को चुनाव में हराने के लिए गठबंधन कर सकती है, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, गठबंधन करके किसी पार्टी का उदय हो सकता है या फिर सिर्फ समाज के हित करके ही उदय हो पाएगा? देखिए, विकास मुंह बोलता है जी, विपक्ष कितना एकजुट हो ले, अगर विकास कोई भी पार्टी विकास करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो, कोई भी हो, लेकिन देखो विकास तो मुंह बोलता है। चाहे मतलब मैंने अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी कोई जाति बिरादरी की बात नहीं करती, किसी का हक मारने की बात नहीं करती, बल्कि ऐसा राज स्थापित करने की मंशा रखती है कि किसी के आगे मुंह ये और न ताकना पड़े हमें। सुनील जी, अभी पिछले हफ्ते ही जैसे पुलवामा का जो हमला हुआ, पुलवामा के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सख्त कदम उठाए आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। हालांकि ये देखा जा रहा था कि पिछली पार्टियों ने जो पिछली बार की पार्टियां रह चुकी हैं जितने भी, उन्होंने इस तरह के कदम सख्त नहीं उठाए, तो आपको क्या लगता है कि ये एक मुद्दा है जिसे लेकर बीजेपी चुनाव में दोबारा अपना पैर जमा सकती है? बिल्कुल जी, ये जो इसका हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जी, इससे पूरे देश में एक खुशी की लहर है कि भारत भी किसी से कम नहीं है जी, और हम भी ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हम भी ऐसा भारत देखना चाहते हैं, हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कोई धर्म ना हो, मजहब ना हो, कोई जातियां ना हो। हम ऐसा चाहते हैं कि एक हिंदू अगर मस्जिद के सामने से निकले तो बड़ी अदब से निकले, छाती चोरी करके ना निकले, और ये सोच कर निकले वो भी किसी की आस्था का केंद्र हुआ करते हैं, वो भी किसी की भावना का केंद्र हुआ करते हैं, और कभी मुसलमान भी ये सोच कर निकले ये भी किसी की भावनाओं का केंद्र हुआ करते हैं। ऐसा भारत का निर्माण हमने मिलकर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा हिंदू मुसलमान बन जाए या मुसलमान हिंदू बन जाए, तुम जो हो वही के वही रहो, लेकिन इतनी तो इंसानियत अपने अंदर पैदा करो, जब कभी मंदिर की घंटी बजे तो मस्जिद के हाथ जुड़ जाना चाहिए, और जब मस्जिद में अजार हो तो मंदिरों के हाथ उठ जाना, सजदे में उठ जाना चाहिए। ऐसा भारत का निर्माण हम सब ने मिलकर करना चाहिए। मुसलमान भी हमारे देश में है, वो भी हमारे भाई हैं जी। बहुत ही अच्छी बात कही सुनील जी हम आपने इस बारे में कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए और सबके धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, मिसाल बनने चाहिए भारत को इस मामले में भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही धर्म के लोग एक साथ मिलकर मिलजुल कर रहते हैं, और कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी होती हैं जो धर्मों का बंटवारा करती है सिर्फ अपने फायदे के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि इस चुनाव में इस तरह का कोई व्यवहार ना हो जिससे धर्म के अंदर या जाति के अंदर भेदभाव पैदा हो। लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं तो जनता को वोट के लिए कैसे जागरूक करेंगे कि वोट सबका अधिकार है, उन्हें ज़रूर देना चाहिए? देखिए, मैं तो विभिन्न मुद्दों पर ही समाज में जागरूकता फैलाता हूँ, समाज को जागरूक करता हूँ। वोटों का इस्तेमाल, एक वोट है जो हमारी आने वाली पीढ़ी की तकदीर का फैसला करता है जी। वो हमने तय करना है कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन देना है या नरक की तरफ भेजना है जी। इसलिए हम लोगों को जागरूक करेंगे कि मत, आप ये वोट आपकी तकदीर का फैसला करेगा, आप इसका सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा, और ऐसा नेता चुनिएगा जो इसकी छवि बिल्कुल साफ हो, ईमानदारी का हो, और जो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नेता करनाल के अंदर हो जो करनाल को हिंदुस्तान के नक्शे पर चमका दे जी। और हमारा इलाका, हमारा जो इलाका है, ऐसा लगने लग जाए हमारा हर गांव, हर कस्बा इतना भारी विकसित हो कि भारत के प्रांतों में हरियाणा राज्य ऐसा लगने लग जाए जैसे कि अरब देशों के बीच विकसित देश आज इजराइल हमें दिखाई देता है जी। जरूर सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि आपकी जो कल्पना है वो भी भारत की जनता करे, आपके जैसा सोचे भारत की जनता,
और नेता भी सोचे कि हमारे भारत को किस तरह से ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, इस तरह के कयास लगाए जाएं, ना कि राजनीति में अपने फायदे के लिए चुनाव लड़े जाएं। सुनील जी, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जिस तरह से हमने यहाँ चर्चा करी, कई मुद्दों पर चर्चा करी, राजनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करी, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करी, तो आप क्या मानते हैं, अगर राजनीति में अगर आप आना चाहें इन फ्यूचर, तो आप सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे या फिर और किन्हीं मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं। आज लोग राजनीति व्यापार बनकर रह गई जी, समाज सेवा के स्थान पर ये व्यापार बनकर रह गई। और मैं तो मानता हूं जो मजा समाज सेवा करने में है वो राजनीति में नहीं है जी। तो आप समाज सेवी ही रहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, लेकिन मैं एक बात है जो स्थानीय है, जो मैं बार बार करता हूं, और पूरे समाज का जो मैंने आकलन देखा है, जो पूरे समाज के अंदर एक सर्वे जो के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं जी। ये बातें पॉलिटिकल सभी पार्टियों ने उठाई और हम भी उसको उठा रहे हैं कि लोकल नेता हो यहाँ का, तभी यहाँ विकास हो पाएगा। देखो पिछली सरकारों ने क्या किया, और भाजपा ने तो बिल्कुल हद ही कर दी जी। हद इसलिए कर दी क्योंकि इसने हरियाणा के से कोई हरियाणा कोई से अलग पंजाब से लाकर अश्विनी चोपड़ा को यहाँ थोप दिया जी। जो कि यहाँ के इलाके से बिल्कुल दरकिनार है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, उनको यहाँ थोप दिया गया। और उसके बावजूद अब अरुण जेटली और मेनका गांधी का नाम यहाँ से चल रहा है, जो यहाँ के संस्कृति के बारे में नहीं जानते। और मैं एक बात और मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की भी तो 3 बार इस हरियाणा प्रदेश को इसने चलाया, जाट आरक्षण की बात हो या धन धन सतगुरु राम रहीम की बात हो, रामपाल की बात हो, लेकिन ये सभी आरोप उसने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जड़ दिए क्योंकि वो जाट समुदाय से थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इसमें सरकार से कि वो प्रकाश सिंह की रिपोर्ट लागू करे, क्यों नहीं आउट करती प्रकाश सिंह की रिपोर्ट हरियाणा सरकार, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आरोप उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर जड़ दिया क्योंकि वो जाट समुदाय से। मैं पूछना चाहता हूँ उस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे जी, जो कि पंजाबी समुदाय से थे। और उस समय डीजीपी थे कौन थे? सिंगल थे, जो कि नॉन जाट थे। उस समय होम मिनिस्टर कौन थे? वो भी नॉन जाट थे। लेकिन हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश की संस्कृति वो संस्कृति है, जब 1947 में पाकिस्तान से लोग आए तो हरियाणा ने अपने गले लगाया। इसलिए ये संस्कृति ऐसे ही बरकरार रहे, इससे कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई जाति पात की भावना कोई इसमें अहमियत ना दे जी। सबका साथ और सबका विकास, तब ये नारा भारतीय जनता पार्टी का सफल हो पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो जाते जाते बस सीएमएन की ओर से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपने मत का अधिकार ना भूलें, आप भी वोट जरूर डालिए। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।